नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत करती हूँ। जानेंगे आखिर क्या है डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख सन डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा का सच। नमस्कार सर। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मेरा नाम जयचंद इंसा, नोएडा फेस टू ब्लॉक। सर क्या नाम है आपका? जयचंद इंसा। सर कब से आ रहे हो आप डेरा के अंदर, मतलब डेरा के अंदर जा रहे हो और कब से नाम लिया है आपने? 1990। सर इतना लंबा समय हो गया, कैसा माहौल देखा है आपने डेरा के अंदर? ऐसा माहौल कहीं धरती दुनिया पर दूसरी जगह कहीं नहीं देखा जैसा डेरा सच्चा सौदा में है। सर आप कहते हो कि संत जी के यहाँ इतना अच्छा माहौल है, मगर मीडिया चैनलों पर जो भी दिखाया गया, क्या कहना चाहोगे? मीडिया ने बिल्कुल झूठ दिखाया है, जो है ही नहीं वो दिखाया है, सच तो दिखाया ही नहीं बिल्कुल, क्योंकि सच से लड़ना हिम्मत का काम होता है। मीडिया सारा झूठ दिखाती है क्योंकि वो झूठ के नुमाइंदे हैं। इसलिए सर संत जी का जो व्यवहार था वो आप बता सकते हैं? आप वहाँ जाते रहे, कैसा व्यवहार था उनका लड़कियों के साथ, जो भी वहाँ पर जो भी जाते थे लड़के लड़कियाँ उनके साथ? उनके साथ व्यवहार चाहे भाई है या बहन है, बहन के साथ बहनों जैसा, भाइयों के साथ भाइयों जैसा, जो छोटे हैं उम्र में वो बेटा बेटी के समान, यही सब साथ संगत को निर्देश दिया उन्होंने और खुद भी उसका पालन करते थे। बिल्कुल माँ के माँ का दर्जा, जो माँ की उम्र के हैं उनको माँ का दर्जा देना है, जो उनके बराबर के हैं उनको बहन का दर्जा देना है, जो छोटे हैं उम्र में उनको बेटियों का दर्जा देना है। तो ये उनका बिल्कुल रसूल आगे से आगे बताया साथ संगत को और उस पर 6 करोड़ साथ संगत अमल कर रही है। सर संत जी के आपने कहा कि इतनी बड़ी मात्रा में लोगों को, मतलब इतनी बड़ी संख्या में लोगों को सुधारना बहुत बड़ी बात है, ये तो मतलब इतने एलिगेशंस आखिर क्यों लगाए गए, क्या कारण है कि उनका नाम बदनाम करने की कोशिश करी जा रही है? जब अच्छाई चरम पे होती है तो बुराई के नुमाइंदे नीचे खींचते हैं उसको। नशे करने वाले करोड़ों लोगों का नशा छुड़ा दिया, बीमारी से दूर कर दिया और उनके नशे की दुकान बंद हो गई। तो इसलिए लोगों ने ईर्ष्या करते हुए और संत जी पर इतना बड़ा आरोप लगा के, उनके ये बिल्कुल झूठे आरोप हैं, कोई भी सच्चा आरोप नहीं है। सर संत जी ने लड़कियों के लिए महिलाओं के लिए कुछ किया है क्या? लड़कियों के लिए उन्होंने बिल्कुल सबला बनाया, अबला नहीं, कहीं भी चली जाए बेटियों को ऐसी शिक्षा दी है कि वर्ल्ड में नाम कर रही है, वो मेडल ला रही हैं, वो इंडिया से बाहर जाके भी अपना कार्यक्रम दिखा रही है। पूज्य गुरु संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी की शिक्षा पर चलते हुए उन्होंने ये सब कुछ हासिल किया है। सर आज बहुत बड़ी मात्रा में लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, देख सकते हैं हम, तो क्या कारण है आखिर? जी आज जो हम यहाँ आए हैं, हमारे पूज्य हुजूर संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा का जन्म माह, खुशियों का माह चल रहा है, तो इसलिए हम यहाँ आए हैं। और जो गरीब परिवार हैं, भूखे पेट सोते हैं, उनके लिए खुशियाँ प्रदान करते हैं, उनको एक एक महीने का राशन देने का निर्णय साथ संगत ने लिया और आगे भी मानवता भलाई के 134 कार्य साथ संगत कर रही है। पेड़ लगाती है पर्यावरण को बचाने के लिए, हमारे सतगुरु जी ने ये शिक्षा हमें दी है, बेटा सभी एक एक पेड़ तो जरूर लगाएं, बाकी साथ संगत इस पर अमल करते हुए पेड़ लगाते हैं और उसकी पालन पोषण भी करते हैं। सर बहुत बड़ी बात है ये, मगर संत जी के जो भी कार्य हैं आप उनको अभी तक कर रहे हैं और 134 मानवता भलाई के कार्य लगातार कर रहे हैं, तो आज संत जी नहीं है तो क्या प्रभाव आपको नज़र आ रहा है समाज में, जब वो नहीं है क्या कमी खल रही है समाज में? कमी तो ये है जो आने वाली जनरेशन है वो नशे की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि उन्हें ज्ञान नहीं है सही क्या गलत क्या। शहंशाह जी अगर यहाँ होते तो ये सब कुछ नहीं होता, सभी जनरेशन नशा छोड़ के और सत्संग से जुड़ जाती, भलाई के कार्य करती, पृथ्वी को बचाने के लिए पेड़ लगाती और जल बचाने के लिए बूंद बूंद पानी बचाती, क्योंकि हमारे सतगुरु जी ने ये शिक्षा दी है।
और नशे की तरफ तो बिल्कुल बढ़ना नहीं था। आज उनके ना होने से कितने ही लोग नशे की तरफ बढ़ गए हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इसलिए हमें कमी तो है, लेकिन हम तो अपने अंग संग अब भी समझते हैं, उनके दिशा निर्देश पर पूरी ज़िंदगी चलते रहेंगे, भलाई के कार्य करते रहेंगे। सरकार से क्या मांग करोगे सर? सरकार से मांग ये करेंगे, भारत भूमि को बचाने के लिए, नशों से बचाने के लिए, हर रोग से बचाने के लिए उन्हें बिल्कुल बाहर कर दिया जाए, बहाल किया जाए। ये सरकार से हम अपील करते हैं, क्योंकि आगे आने वाली जनरेशन जो भारत का भविष्य है, अगर वो नशे में डूब गया तो फिर हाल क्या होना है। इसलिए संतों को छोड़ देना कोई ऐसी कोई गलती नहीं है, ये तो बहुत बड़ा काम है, क्योंकि जो सरकार ना कर सकती वो सतगुरु ने किया। जगह जगह सफाई अभियान चलाए, जगह जगह जाके लोगों को नशे छुड़ाए, जगह जगह जाके आदिवासियों को मुख्य धारा में लाए, जगह जगह जाके जो अपने सुखदुआ समाज जिनको लोग हिजड़े कहते हैं उनको मुख्य धारा में लेके आए, तो ये बहुत बड़े कार्य हैं जो उनके बिना अभी अधूरे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जैसा कि आप देख सकते हैं लगातार लोग आ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि आज संत जी का जो जन्मदिन है वो 15 अगस्त को है, मगर जो जन्म महा ये बोलते हैं जो भी फॉलो करते हैं संत जी को, और उसमें पौधा रोपण और लोगों को बहुत सारा राशन एक एक महीने का, और उनको फ्री शिक्षा, मतलब 134 मानवता भलाई के कार्य बहुत बढ़ चढ़ कर करते हैं, पूरे साल करते हैं, मगर इसमें सभी लोग एक साथ एकत्रित होकर सबको सभी समाज का भला, जैसे कि संत जी ने बताया है 134 मानवता भलाई के कार्य भी चलाए हैं। तो आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।